अभी पे हाय बोलिए हम लोग सब्सक्राइबर को, छोटा सा चैनल है, सपोर्ट फेमस है, तुम छोटा चैनल है। 1 to 10 इसी स्कूल में कंप्लीट किया, बहुत अच्छा जर्नी था कि 1 to 10 कंप्लीट किया, और स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छा था। कैमरा के पीछे दिव्यांशु है और यही खास दोस्त है जो कि आज मेरे लिए क्या कहते हैं कैमरा के पीछे, जो कि मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर अपना टाइम देता है। और यही कुछ खास दोस्त है जो कि रोहन हो गया, सुभाष हो गया, आर्यन हो गया, बहुत सारा दोस्त है, सॉरी कैमरा के सामने सबका नाम नहीं ले पा रहे क्योंकि बहुत सारा दोस्त है। और एक बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा जिसको तुम कुछ भी बोल देते हो बुरा नहीं मानता है, उसका शॉर्टकट में नाम लो 3 अक्षर में, आर बी सी। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मतलब ब्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हम लोग हैं बेला पब्लिक स्कूल के पास, और एक्चुअली आज मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और क्या कहते हैं उसको 10th पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और अदर डॉक्यूमेंट्स सब मिलना था, तो मिल चुका है। अब 10 साल इस स्कूल को दिए तो रिश्ता खत्म हो चुका है और हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। क्या चाहते हैं, एक्चुअली हम लोग इस स्कूल को 10 साल दिए थे, 2009 वो डेट था जब स्कूल में फर्स्ट एडमिशन करवाए, 2009 के टाइम में 1 to 10 इसी स्कूल से कंप्लीट किए थे। और बेला ब्रांच में क्योंकि मेन जितना पेपर वर्क होता है सब बेला ब्रांच से होता है, और सारा रिश्ता खत्म हो चुका है क्योंकि इस बैग में मेरा सर्टिफिकेट सब है, और सिर्फ अभी याद मतलब बाकी है कि इस स्कूल में पढ़े लिखे पास किए, और बस ये अच्छी बात है। तो सैड फील हो रहा है अंदर से, बट तो यहाँ पर दिव्यांशु भी है जो कि क्लास 4 से हम लोग के साथ पढ़ रहा है। दिव्यांशु भाई, आज तो सारा मतलब रिश्ता सारा रिलेशन इस स्कूल से खत्म हो चुका है क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ ले लिए, मतलब कैसा यादगार था हम लोग का यार, जब हम लोग बचपन में एक लंच मतलब 10 बंदा में एक बंदा लंच लाता था, सब उसके तरफ भागते थे लंच लेने के लिए, बस का लंच 5 सेकंड में पूरा खत्म हो जाता था। 5 सेकंड क्या, 1 सेकंड ही मुश्किल है, सब आता था दौड़ते दौड़ते लंच खत्म हो जाता। इस स्कूल से मीठा याद जुड़ा भाई, ऐसे आ जाओ ऐसे। ये है पब्लिक स्कूल बेला, मेन ब्रांच यही है, तो सारा याद खत्म हो गया। थोड़ा सैडनेस अंदर से उदासी है कि भाई 10 साल इस स्कूल दिया और ये 6 साल दिया, 6 साल 7 साल कह सकते हैं, तो सब उदासी है कि भाई अब जा रहे हैं। और अब ज़िंदगी में क्या करते हैं, चेंजिंग जो ज़िंदगी का नियम है, अब आगे का हम लोग का सफ़र तय करना है, इसीलिए इस स्कूल से जा रहे हैं। और किसी कॉलेज में पढ़ेंगे उस कॉलेज का भी याद रहेगा, बट जो स्कूल लाइफ होता है भाई कॉलेज लाइफ में होता है वो स्टार्ट होने से पहले खत्म हो जाता है, 2 साल का तो लाइफ होता है कॉलेज, सही बात है भाई। और इस दिव्यांशु सब जैसा जो दोस्त मिला, हम बहुत लकी है भाई कि हमको इस सब जैसा दोस्त मिला, हम भी बहुत लकी है भाई, हमको इसी जैसा दोस्त मिला, मतलब बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा साथ देता है, ऐसा नहीं कि भाई एक वाला है, कुछ होता है फेक दोस्त मतलब रखता है, पर ये हमेशा साथ दिया है मेरा, हर वक्त सपोर्ट किया है, थैंक यू भाई। और इन फ्यूचर भाई हम लोग कहाँ होंगे और कभी ये वीडियो देख रहे होंगे हम लोग को नहीं मालूम, आज डेट है 9/12/2020 आज का डेट है ना, तो आज फाइनली हम लोग का स्कूल लाइफ पूरी तरह से एंड हो चुका है क्योंकि सब कुछ तो ले लिया डॉक्यूमेंट, अब हम लोग दोबारा स्कूल में नहीं आएंगे मतलब क्योंकि सारा पेपर वर्क हो ही चुका है। चलिए हम लोग चलते हैं राजमिलान, वहीं पर बैठ के बात करते हैं। तो दोस्तों जस्ट अभी हम लोग बेला से आ रहे हैं क्योंकि हम लोग को वहाँ पे जो है ना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं हो पाया क्योंकि उसके ऊपर प्रिंसिपल का साइन गया था, प्रिंसिपल सर चले गए थे शायद लंच में चले गए थे और हम लोग को अर्जेंट कहीं बाहर निकलना था इसीलिए हम लोग वहाँ से चले गए। तो बात ऐसा है कि स्कूल को जो है ना अपना 10 साल दिए थे, 2009 फर्स्ट टाइम हम स्कूल में गए थे, मतलब फर्स्ट टाइम इसी स्कूल में गए थे, ऐसा बात नहीं कि फर्स्ट टाइम स्कूल देखे थे, मतलब उस स्कूल में गए थे क्लास 1 में, 1 to 10 इसी स्कूल में कंप्लीट किया, बहुत अच्छा जर्नी था कि 1 to 10 कंप्लीट किया, और स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छा था। कैमरा के पीछे दिव्यांशु है वो तो मेरा बचपन का दोस्त है, 4th क्लास में आया था, खूब सारी मस्ती करते थे, बहुत सारे गैदरिंग करते थे, मजा करते थे, साथ में पढ़ते भी थे, मतलब जिस वक्त जो काम करते थे उसमें अपना 100% देते थे, जैसे कि गेम खेल रहे हैं तो अपना गेम खेल रहे, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कोई कहीं कुछ नहीं सोच रहा। फिर आज एक ज़िंदगी आज का टाइम है, हम लोग 10th पास कर लिए, अब स्कूल से टाटा अलविदा हो गया, मतलब कहते हैं ना स्कूल लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है जैसे कॉलेज लाइफ है, अभी कोरोना चल रहा है, 1 साल तो ऐसे ही लैप्स हो गया, दिसंबर है, एंडिंग ऑफ दिसंबर है, अब 1 साल बचा, 1 साल में क्या लोग दोस्त बनाएगा, क्या साथ रहेगा, क्या जान पहचान होगा, तो कॉलेज लाइफ भी लगभग समझिए कि सही होता है बट उतना नहीं हो पाता, जो स्कूल लाइफ का दोस्त जो होता है ना वो कॉलेज लाइफ में कभी नहीं बन पाता। और यही खास दोस्त है जो कि आज मेरे लिए क्या कहते हैं कैमरा के पीछे, जो कि मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर अपना टाइम देता है। और यही कुछ खास दोस्त है जो कि रोहन हो गया, सुभाष हो गया, आर्यन हो गया, बहुत सारा दोस्त है, सॉरी कैमरा के सामने सबका नाम नहीं ले पा रहे क्योंकि बहुत सारा दोस्त है, अच्छा वो बेस्ट फ्रेंड में, और ऊपर वाले की कृपा से कि हमको ऐसा दोस्त मिला है जो कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरे लिए खड़ा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज 9 तारीख ऑफिशियली आप लोग देख सकते हो, 9/12/2020 आज का डेट है, ठीक ना, और आज के दिन क्या कहें, स्कूल से सारा रिश्ता सारा नाता सब कुछ खत्म हो गया, अब सिर्फ बचा है तो सिर्फ याद बचा, इमोशंस बचा है और कुछ नहीं उसके अलावा, इसलिए अच्छा लगा ये जर्नी। अब एक्चुअली राजमिधान में थोड़ा सा सोच रहे थे हम लोग, हम और दिव्यांशु बात करते अपने स्कूल लाइफ में क्या क्या हुआ था, कितना मस्ती किए थे, ये वो। ये दिव्यांशु जो कि हम लोग साथ में पढ़े थे 4th क्लास से, बहुत मस्ती किए, बहुत मजा किए, और हम लोग क्या कहते हैं जब छोटा सा थे ना तभी से हम लोग अपना क्या कहते हैं एज, ये हमको बड़ा होते हुए देखा, हम इसको ये बड़ा होते हुए देखे, मतलब एज जैसे बढ़ता है ना वैसे में। और भाई कैसा रहा सफ़र क्लास 4 to 10? बहुत अच्छा था भाई, अच्छा। और एक बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा जिसको तुम कुछ भी बोल देते हो बुरा नहीं मानता है,
उसका शॉर्टकट में नाम लो तीन अक्षर में आरबीसी दिल का बहुत अच्छा फ्रेंड है हम लोगों का। उसको कुछ भी बोल दिए ना बुरा नहीं मानता वो लड़का और दिल का बहुत साफ है वो। और लेकिन उसको हम लोग बोलते तब कोई बात नहीं लेकिन कोई अननोन बोल देना तो क्या करेगा वो मार लेता अच्छे से। अरे भाई चले बोलो मतलब मारेगा अच्छे से वो सबको आप मारेगा मतलब मारपीट वाला मारेगा। गलत मत सोचिएगा। तो बात ऐसा है ना कि स्कूल का जर्नी आज खत्म हो चुका है और लाइफ क्या क्या कहते हैं नया पड़ाव की तरह बढ़ रहे हैं। आप लोग अगर हमसे बड़े हैं तो हम लोग आशीर्वाद दीजिए कि जिंदगी के आगे आने वाले सफर में हम लोग जिंदगी सक्सेसफुल कर सके कुछ अच्छा अचीव कर सके माँ बाप का नाम रोशन कर सके। अगर आप हमसे बने तो हमको आशीर्वाद दीजिए। छोटा है तो आप इतना भगवान को बोल दीजिए मतलब अगर आप हमसे छोटा है तो इतना भगवान को बोलिए कि भैया इनको थोड़ा सा मतलब हेल्प कीजिए क्या। मेरा दिव्यांशु है और फिलहाल जितने भी दोस्त सब हैं तो सबके लिए मतलब बेस्ट विशेष आप लोग रखिए बहुत दिल से थैंक यू। और आने वाले समय के लिए हमको आशीर्वाद आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आप सब अभी जो भी 166-167 सब्सक्राइबर हम जानते हैं आपका प्यार दिख रहा है धीरे धीरे मतलब बहुत जल्दी मेरा सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहा है। 21 तारीख से मैंने वीडियो अपडेट करना शुरू किया था छठ के क्या करते हैं नहा खा के दिन से 21 तारीख से मैंने वीडियो अपडेट करना अभी तक 166 होना बहुत बड़ी बात है इस टाइम में। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बट आप लोग ऐसे प्यार करते रहिए और आपका प्यार सपोर्ट देख के बहुत अच्छा लगता है और उम्मीद है कि आप हमको इतना ही प्यार रियल लाइफ में देंगे। कभी अगर आप हमसे मिलते हैं तो हमको मिलकर अच्छा लगेगा कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। तो बस ये थैंक यू कहना था आप लोगों को और चलिए सफर में जो जो आपको अपडेट करते रहते हैं और मूड को थोड़ा फ्रेश करते हैं बट एक याद था जो कि यादगार है क्या दिव्यांशु बहुत याद आता है ना। अब लेकिन अब याद तो बहुत आता है बट उस मोमेंट में आप जी नहीं सकते हैं सिर्फ याद कर सकते सिर्फ मेमोरी है कोई वीडियो कोई फुटेज नहीं कोई फोटो नहीं क्योंकि स्कूल मोबाइल अलाउड नहीं था बट सिर्फ उस मोमेंट को जी सकते। कुछ फोटो होगा हम लोग का क्लास में तुम था कि नहीं था जो फोटो खींचे थे तो हम कुछ फोटो का मैं आपको अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ और इन फ्यूचर अगर मैं ये वीडियो देखता कितना अचीव होगा मतलब अच्छा लगेगा। दिव्यांशु भी इन फ्यूचर ये वीडियो देखता आज के डेट से बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं देखते हैं मस्ती करते हैं जो जैसे होता है मैं अपडेट करता हूँ। अभी आप लोग सोच रहे हैं कहाँ हैं कभी हम मनकामना मंदिर के कैंपस में मनकामना मंदिर आ गई है और नरगुना पैलेस के कैंपस में है तो बात ये है और स्कॉर्पियो से आए हैं बहुत दिनों का ऐसा चलाया हुआ मन किया चला लेते हैं। पार्किंग में तो भीड़ बहुत था क्योंकि आज लगन है शादी का है शादी करना है तुमको अभी नहीं करना अभी नहीं करना कल अभी बहुत कुछ बाकी है अभी बहुत कुछ बाकी है बोल रहा है तो बस यही था। अच्छा लग रहा है यार सफ़र मतलब क्या कहें इतना जल्दी हमको नहीं लगता स्कूल लाइफ ख़त्म हो गया मतलब विश्वास नहीं है कितना जल्दी अभी तो शुरू हुआ था जैसे कहा कल की बात है कल तो मैं स्कूल जाना शुरू ही किया था ऐसा एक मोमेंट लग रहा है बट इतना जल्दी खत्म हो जाएगा उम्मीद नहीं था। थोड़ा सा याद आ रहा है स्कूल लाइफ का वो मस्ती क्लास बंक करना दिव्यांशु याद है जब हम लोग क्लास में बंक करते थे बोलते थे सर आ रहे हैं टॉयलेट से एक एक पीरियड दो दो पीरियड बाहर रहते थे सर भी बोलते थे ऐसा कौन सा तुम लोग मतलब बाहर गए थे कि तुम लोग का दो दो घंटा तक टॉयलेट होते रहता है रावण हो गया तुम लोग सर गेट टकटकाते थे सर टॉयलेट तक आ जाते थे और गेट टकटकाते थे वो छोड़ो ना क्लास के अंदर मतलब जो गेट के पास होते तब ना पूछते हैं मैं आई कम इन सर हम लोग क्लास के अंदर आ जाते थे मैं आई कम इन सर तो सर बोलते थे तुम तो ऑलरेडी अंदर आ चुके पूछने का क्या फ़ायदा ना। ऐसा बहुत बार हुआ है बहुत मस्ती किए और सर सब भी जानते थे कि बच्चा अगर मस्ती करा तो पढ़ने वाला भी है इसलिए उतना वो लोग डांटते नहीं थे करने देते थे मस्ती क्योंकि वो भी जानते थे स्कूल लाइफ बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल होता है बहुत यादगार रहता है इसलिए वो भी करने देते। ऐसा नहीं बिगड़े हुए थे कि सर को गाली दे रहे हैं कमेंट पास करें वो नहीं मतलब एक लिमिट में हम लोग मस्ती करते थे सही है। चलिए चलते आगे दोस्तों अभी हम लोग राज मैदान में चौरंगी के पास और यहाँ पे देखिए हम लोग के साथ कौन कौन है अक्षय भैया सूरज भैया यहाँ पे और सचिन भैया इनको कोई पहचान का मोहताज नहीं है। पहले इनका टिकटॉक पे बहुत बड़ा अकाउंट था अभी फिलहाल टिकटॉक बंद हो गया बट ये बहुत फेमस टिकटॉक करते मास्क हटा के दिखाइए कुछ लोग आपको पहचान जाएंगे ऐसे भी दरभंगा से सब है ये है सचिन भैया और इधर देखिए कौन है महान हस्ती से मिल पाते हैं इधर देखिए ये कौन है इनको पहचानिए अरे रे अजीत भैया हाय बोलिए हम लोग सब्सक्राइबर को छोटा सा चैनल है सपोर्ट फेमस है तुम छोटा चैनल है आदित्य भैया यहाँ पे तो सबको ही कहा यहाँ पे क्या कहते हैं ग्रुप बना हुआ है और थोड़ा सा मस्ती मजाक चल रहा है तो बस यही था इस ब्लॉग में अभी मस्ती होने वाला मैं आपको बीच बीच में अपडेट करता हूँ तो चलिए देखिए क्या कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे खत्म हो चुका है और भैया सब कुछ बोलिए सबको हाथ हिलाइए सूरज भैया सचिन भैया ठीक है चलते हैं। तो अभी मतलब खत्म हो चुका मस्ती मजाक खत्म हो चुका है और चल उधर सचिन भैया का यूजर आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा एक बार आप जाकर उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा और हमको भी कर लीजिएगा @TeamAbhishek Singh तो हमको सबसे पहले कीजिएगा फिर सचिन भैया को कीजिएगा ठीक ना। तो बस यही हो चुका है यही सीन है और हम लोग बढ़ते हैं राज मैदान से आगे की ओर मस्ती मजाक खत्म हो चुका है दिव्यांशु साथ में था साथ में है और साथ में रहेगा हमेशा ठीक ना भाई तू साइड से हम इस साइड से जाएंगे तुम उस साइड से जाओ स्कॉर्पियो है चलते हैं। तो अभी जस्ट राज मैदान से आए घूम फिर के दोस्त सब भी था तो मस्ती किए भैया लोग भी थे तो मस्ती खत्म हो चुका है मस्ती यानी मजाक करने से मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं सुबह से लेकर शाम तक काम यानी कि पढ़ाई लिखाई और यूट्यूब का काम आप लोग को जो रोज़ ब्लॉग मिलता है तो वो भी एक तरह का काम ही है
तो ऐसे मोबाइल लगा देते हैं, रुके पहले मोबाइल लगा लेते हैं। अच्छा हाँ, तो ये भी एक तरह का काम ही था, ये भी एक तरह का काम ही था आप लोगों को कंटेंट देना, एडिटिंग करना। पर डे आप लोगों को ब्लॉग मिलता है, एक ब्लॉग एडिट करने में टाइम लगता है 10 से 12 मिनट का। ब्लॉग एडिट करने में हमको पर्सनली 2 घंटा लगता है, 2 से 3 घंटा लगता है, और ब्लॉग को अच्छा बनाने में। इस वीडियो में इतना ही रखिए, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।